हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच यह दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई, इस बात का सबूत हम खुद हार्दिक पांड्या ने दे दिया है। दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में जब रोहित शर्मा बिना खाता खोले शुभमन गिल की वजह से रन आउट हुए तो उन्होंने गिल को बीच मैदान पर ही गली बकी और गुस्से में जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद अब हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा के ऊपर जहर उगला है। उन्होंने शुभमन का समर्थन तो किया लेकिन रोहित के लिए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बताते हैं क्या बोले हार्दिक पांड्या। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल करी, लेकिन टीम इंडिया की जीत के अलावा सबसे ज्यादा चर्चाएं रोहित शर्मा के उस व्यवहार की है जब रन आउट के दौरान उन्होंने शुभमन गिल को खरी खोटी सुनाई और अपशब्द भी कहे। यह वाक्य है पारी की दूसरी गेंद का, जब रोहित शर्मा रन लेना चाहते थे लेकिन शुभमन गिल नॉन स्ट्राइकर हाथ से रन के लिए भागे ही नहीं। रोहित शर्मा इस बीच इतना ज्यादा उग्र नजर आए कि उन्होंने जमकर फटकार लगा दी शुभमन गिल की और गुस्से में अपशब्द भी कहे। रोहित शर्मा का यह व्यवहार देखने के बाद काफी खिलाड़ियों को मौका मिल गया किसी ने शुभमन गिल की गलती बताई तो किसी में रोहित की, लेकिन इन सब के बीच मौके का फायदा उठाया हार्दिक पांड्या, जिनकी मौजूदा समय में रोहित शर्मा से काफी तगड़ी अनबन चल रही है क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। हार्दिक पांड्या इतना ज्यादा रोहित शर्मा से नाराज रह रहे हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो तक कर दिया। इस बीच पांड्या ने अपना बयान जारी कर इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा क्रिकेट के मैदान पर रन आउट होना आम बात है, कई बार खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल नहीं रहता जिसके चलते ऐसी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से शुभमन जैसे युवा खिलाड़ी के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर किया यह अपने आप में गलत है। रोहित को यह ध्यान में रखना चाहिए कि युवा खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव टीम के भविष्य के लिए सही नहीं है। रोहित अपनी गलती को छुपाकर शुभमन के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वह सब तो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपशब्द कहे क्रिकेट के मैदान पर यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। अनुभवी खिलाड़ियों से इस तरह की सीख जब युवाओं को मिलेगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्रिकेट के मैदान पर इस तरह की चीजों पर बैन लगना चाहिए, मुझे लगता है यह चीज बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे फिर इस तरह की गलती रोहित करे या मैं। क्रिकेट के मैदान पर गली जैसी चीजों के लिए क्रिकेटर के ऊपर बैन लगना चाहिए। पांड्या ने इस तरह से अपनी दुश्मनी का बदला इस मुद्दे के जरिए लिया और रोहित के ऊपर जमकर निशाना साधा। वैसे आप सभी को क्या लगता है वास्तव में किसकी गलती थी, रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल? कमेंट सेक्शन में बताएं।